व्हाइट लाइट देने बोलो भाई, व्हाइट लाइट है ना? अरे भाई कौन सा लाइट दे रहा है? होल्ड मैम, होल्ड 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 done. Thank you. Are अब कोई आगे नहीं जाएगा, पहले बता रहा हूँ। चपरा हल्ला मत करो, लाइट चालू करो ना। लाइट चालू ना, लाइट पूरी क्यों ना? लाइट राम लाइट लगा यार, तू क्या कर रहा है? लाइट देना राम, लाइट नहीं हाँ मिलना मिलना है। यस सर, ऑन योर लेफ्ट सर, मैम। लाइट में चल रहा है। उड़ेगी नहीं। बेसिकली फसिंग परफ्यूम जो है मिडिल ईस्ट का ब्रांड है और काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे इंडिया में लॉन्च का। अरे कमाल भाई, पीछे आ जाए। काफ़ी प्रिपरेशन के बाद हम लोगों ने इंडियन मार्केट में अपने आप को लॉन्च किया। अभी मिडिल ईस्ट में ऑलमोस्ट 17 लोकेशंस पे फसिंग परफ्यूम ऑलरेडी अपने आउटलेट्स के साथ है और बेसिकली हम लोग फ्रेंच एंड अरेबियन कॉम्बिनेशन के साथ सारा फ्रेग्रेंस का जो भी ट्विस्ट होता है वो हम लोग प्ले करते हैं। उसमें इंडियन मार्केट में जो भी चीज़ें अभी लैग कर रही है, काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों ने इंडियन मार्केट में जो भी कमी है, चाहे वो फ्रेग्रेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट हम लोगों को 2.5 ईयर के बाद हम लोगों ने इंडिया में लॉन्च किया रिसर्च के बाद। तो जो भी कमी हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इंडिया में जो भी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं हम लोग उसमें वो चीज़ें कंप्लीट मार्केट में हम लोग अच्छे प्राइस में उसको अवेलेबल कर सकें। हम लोग फसी परफ्यूम जो है ऊद वेरिएंट के लिए हम लोग मिडिल ईस्ट में काफ़ी पॉपुलर हैं। हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि वी आर स्पेशलाइज्ड इन ऊद। ऊद के जो फ्रेग्रेंसेज होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, उनको भी हम लोगों ने इंडियन मार्केट में काफ़ी लो बजट में हम लोगों ने अभी लॉन्च करने वाले हैं। कुछ एक्सक्लूसिव आइटम्स अभी कमिंग मंथ में भी लॉन्च होने वाले हैं। और इंडिया में जब हम लोगों ने लॉन्च करने का प्लान बनाया तो काफ़ी रिसर्च के बाद, क्योंकि स्नेहा जी का जैसे आपको पता है कि मिडिल ईस्ट से, इनका बॉर्न एंड बॉर्डर मिडिल ईस्ट से ही है, काफ़ी वेल नोन फेस है वहाँ पे स्नेहा जी, काफ़ी फैंस हैं इनके वहाँ पे, काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं इनके काम को। और जिस तरह का ब्रांड हम लोगों का है, जिस तरह का आइडेंटिटी हम लोगों को अपने ब्रांड के लिए चाहिए था, जिस तरह का एग्जैक्टली सेम इनके आइडेंटिटी से वो मैच करता था, इसीलिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के लिए हम लोगों ने स्नेहा जी को प्रेफर किया।
और डेफिनेटली वहाँ पे तो काफ़ी लोग इनको जानते ही हैं। इंडियन मार्केट में भी जिस तरह की आइडेंटिटी इनकी है वो आइडेंटिटी एग्जैक्टली मैच करता था कि हम लोग किस तरह के अपने लग्जरी ब्रांड में चाहते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोगों ने जो भी अभी हम लोग सब एक साथ हुए यहाँ पे बस अपने ब्रांड को बताने के लिए कि बाकी ब्रांड के साथ और हमारे ब्रांड में क्या डिफरेंस है। इंडियन मार्केट में ऊद लैक करता है, ऊद फ्रेग्रेंस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत वेल नोन ब्रांड होता है ऊद का, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ये हम लोगों ने लो प्राइस में हम लोगों ने लॉन्च किया है यहाँ पे। मिस्टर इमरान ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से इंडियन मार्केट पे ऑपरेशन मैनेजर है। मिस्टर इमरान 2.5 ईयर से ये इंडियन मार्केट पे वर्क कर रहे थे कि हम लोग लो प्रोफाइल जो यहाँ पे परफ्यूम्स हैं लोग यूज़ करते हैं लेकिन अप्रिशिएट नहीं करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने लो बजट में हाई प्रोफाइल परफ्यूम्स को अभी लॉन्च किया है। अभी कमिंग मंथ में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च होने वाले हैं। और अभी जब आप लोग डेफिनेटली जब ब्रांड्स को लोग यूज़ करना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि लो प्रोफाइल परफ्यूम्स और हमारे परफ्यूम्स में भी क्या डिफरेंसेस हैं। स्नेहा जी अब अपने कुछ बताएं अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि काफ़ी वक्त से हम लोगों का इंटरेक्शन चल रहा था प्रोडक्ट से रिलेटेड, काफ़ी इन्होंने यूज़ किया तो इनका भी एक्सपीरियंस इस बारे में क्या है जानना ज़रूरी है। Hi everyone, thank you so much for coming. So today we are launching Fuzzy Perfumes Middle East in India and I'm really excited that I've been considered and signed as the brand face of this amazing brand. I'm really very motivated because it's my first, I'm actually the first time of being the brand ambassador of a brand, and 2019 has been really lucky for me to begin with. To speak a little bit about my experience with perfumes, it's been very interesting to see how a perfume is created, and it's really delicate. It's an intricate procedure, very intelligent, and just because of Fuzzy Perfumes, I have been kind of exposed to that theory of making perfumes, and it's really really interesting. As a brand face, I don't just want to be another pretty face attached to a brand. I'm sure that's one of the reasons why they have even approached me, because they wanted green eyes and fair skin and all of those kind of qualities to represent the brand. But as the brand face, I am really working hard to develop and promote this brand in India. And not just with Bollywood, generally as a brand in India, the perfume, the quality that we are aiming this year is to basically attract masses. As you know, there are a lot of average perfume brands out there that they exist, but they don't really smell great, they don't last long, and they are not made with care. They might affect your skin, you might have an allergic reaction. This Fuzzy Perfumes is an all natural fragrance, and that is something that is tested and proved, so it's really safe for your skin, and the quality is so high that when you use it you will not feel that it is a mass perfume. It's really high end, and we're starting with a very well priced product, many products in fact, which will appeal to a lot of masses. So that is something that I feel India required, because we all use expensive brands, and this brand is something that kind of presents that quality, but it's not that costly. And I hope that a lot of college kids and youngsters and even like masses like auto rickshaw drivers and all of them, I want it all to reach out, because they all finally, life is about smelling great. You know, I'm somebody who's into fragrance and anything to do with perfume or essential oils or anything like that. I feel everybody should smell great. So what we are trying to do is we're just trying to make India smell nicer. So that is our approach, and we're working on a lot of products, and soon you'll
very soon you'll get to know something that we are trying, maybe the next 2 months or so. We're trying to launch my own perfume, and I don't want to talk too much about it because we're still making the perfume, which is really interesting. I keep going to their office. We have a lot of sessions and trials, but very soon I will be sharing with you all my own perfume line, which will be launched by Farsi Industries. Do you all have any questions? जनता भाई जनता भाई ये से कर ले बैठ ले ये से कर ले बैठ ले आप लोग सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है फॉर फासी एंड मी तो आप क्वालिटी भी देख लेंगे वो टाइम पे इट्स डैम स्वीट लॉन्च कर रहे लॉन्च भी करना लॉन्च कर रहे लॉन्च कर रहे लॉन्च कर लॉन्च करो भाई चलो लॉन्च किया जाए होल्ड मैम सो दिस इज लव स्टोरी सोल टू सोल एंड दिस इज ओनली फॉर वुमेन बट फासी परफ्यूम्स आल्सो मेक्स यूनिसेक्स परफ्यूम्स एंड फॉर मेन सो दिस इज ओनली फॉर वुमेन ऑफ कोर्स मेरे लिए ला रही हूं मैम इस तरफ होल्ड मैम होल्ड 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 यस होल्ड होल्ड मैम फिर चेहरे पे मैडम रुकिए मैडम होल्ड मैम कार्ड नहीं कलेक्ट करा मैम आपके राइट में सॉरी सर हाँ इस तरफ मैम सर आपके राइट में सर सर यहाँ थैंक यू यहाँ पे आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड मेरा एक्चुअली आप यकीन नहीं करेंगे बट एवर सिंस लकी मैंने कभी एड वर्ल्ड में आई नेवर गॉट इन वॉल्ड बिकॉज मैं बहुत छोटी थी वट एवर ऑल दैट ड्रामा बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली एसोसिएटेड विद अ ब्रांड एंड 2019 has been very lucky for me because I've become the brand face for Farsi Perfumes and the reason it's really special to me kyunki Farsi Perfumes Middle East se hai and I'm born and brought up over there so that is this family connection that I had and we've been working on different kinds of perfume scents and a lot of products unisex for men and for women and इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बहुत ही एक्साइटिंग है कि एक परफ्यूम कैसे बनता है एंड बिकॉज ऑफ फासी परफ्यूम्स आई हैव लर्न दैट एंड होपफुली वन डे वेरी सून बिटवीन मी एंड फासी परफ्यूम्स वी आर ट्राइंग टू क्रिएट माई ओन वेरी परफ्यूम विच वी विल बी लॉन्चिंग सून वेरी सून विद इन मंथ वेरी सून और वो परफ्यूम का नाम भी मैं अभी नहीं बोलूँगी पर आप लोगों को सब बहुत पसंद आएगा और आप सबको वो नाम यू ऑल ऑलरेडी नो दैट नेम but it's very very exciting and I hope ki sirf brand face banna it's bahut hi choti cheez hai but I want to try and improve you know the sales of Farsi perfumes in India I want to try and promote the brand kyunki sirf brand face bolna it's not enough anymore aajkal everything is a it's a family it's a business so I want to treat Farsi perfumes as a family and I want to try and bring it to India in a very big way kyunki middle east pe already wo log kafi bade hai so I want to try and also launch it really well in India okay, sir sorry sir aapko janna chahenge ki strategies kya kya hongi because abhi aap India mein launch kar rahe hain kya kya strategies ke chehra na le
स्ट्रेटजीज डेफिनेटली हम लोग बस ये है कि हम लोग जो भी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से कर रहे हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद कर रहे हैं, जो आप अफोर्ड कर सके, हर कोई अफोर्ड कर सके उस प्राइस लेवल पे हम लोग ट्राई कोशिश कर रहे हैं कि हाई क्वालिटी हम उनको दे सकें। तो जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट में लॉन्च हो गया है, तो व्हाट आर मिडिल ईस्ट में काफ़ी साल से ऑलरेडी वहाँ का एस्टेब्लिश ब्रांड है, तो आप इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या ब्रांड का फीडबैक क्या आएगा? वो तो अभी लॉन्च के बाद पता चलेगा फीडबैक क्या आएगा, लेकिन हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि जिस तरह की हम लोगों की क्वालिटी है, जिस तरह का हम लोगों का ब्रांड है वहाँ पे, जिस तरह का हम लोगों का रीच है लोगों तक, मोस्टली जो इलाइट कस्टमर हैं, एनराइज हैं, जो भी एशियंस वहाँ रहते हैं, वो तो डेफिनेटली हमारे कस्टमर्स हैं ही वहाँ पे। तो अब हम इंडियन मार्केट पे कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम उनके प्राइस लेवल पे हम उनको अच्छी प्रोडक्ट दें। अब किस बोलिए बोलिए फासी परफ्यूम्स हैज़ अ डिफरेंट रेंज, दे हैव अ रेंज जहाँ पे मासेस के लिए है एंड देन दे गो रियली हाई एंड जहाँ पे इट्स लाइक 10 grams एंड ऑल ऑफ दैट। सो वी डोंट राइट नाउ वी वॉट वी आर लॉन्चिंग इज़ फॉर द मासेस। सो आई वॉन्ट टू ट्राई एंड टारगेट यू नो वट कॉलेज मास मार्केट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, यंगस्टर्स को, लॉट ऑफ यंगस्टर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव ग्रेट pocket money, yeah, want for Valentine's Day, suppose now we want to create something where young couples can gift each other, that's why this love story karke perfume aapko abhi dikhaya. So the plan is to reach out to a lot of average spenders, not very luxurious spenders. Okay, Sneha, jaise aapne ke bola ki matlab aap sirf face brand nahi banna chahte, yeah, face nahi banna chahte, to aap se janna chahiye ki aap personally kitna use karti hai, jab kisi ki brand ambassador banti hai to aap personally wo product kitna use karti hai aur kitna promote karti hai uske bare mein. So आई मस्ट से ये आप ये प्रेस ये लॉन्च होने के पहले से ही मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज इन्होंने बहुत सारा प्रोडक्ट्स मुझे भेजा है, तो आई एम ओनली यूजिंग फासी परफ्यूम्स राइट नाउ एंड आई पर्सनली लव परफ्यूम। तो जब मुझे ये ऑफ़र मिला आई वॉज लाइक आई कॉन्ट लेट दिस गो, बट एज़ यू सेड मुझे सिर्फ ये सब नहीं करना है, एक्चुअली वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस एंड आई वॉन्ट टू आई सीरियसली फील कि एवरीबडी शुड ओन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम and that is what Fasi Perfumes is trying to do with launching in India. Okay, jaise aapne bataya ki matlab aapne bahut try kiya pehle se, to kya koi matlab you know kuch cheez, so my favorite, so the favorite fragrance is oud for me, and you know oud is it's an Arabian scent, and Fasi Perfumes, because it's from the Middle East, it's got an amazing combination of French mixed with Arabian essence. And one of those favorite is oud, and they are masters at creating oud. So I have a lot of like even I think they even send me black oud. Now what is that oud? White oud, black oud. Black oud, white oud. Uska essence, burning loban jo hota hai, dhoop hota hai. They have a lot of those things. Bakur and all this. Yeah, so it's very that's one of my favorite. So I have a lot of that at home, and plus this whole mixture of French, which is what we all use today. Arabian perfumes are not really there in India, if you see. French hai but Arabian nahi hai, and this combination I think will do really well. पर वो बड़ी फिल्म के बाद मुझे नज़र होना भी नहीं था, इट वॉज मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरा कभी प्लान कभी था नहीं कि लकी के बाद मैं और एक्टिंग करूँ, सो द प्लान वॉज नेवर टू बी अ एक्ट्रेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब बहुत बड़े प्लान से आपको बताऊंगी जब नेक्स्ट टाइम आपको इनवाइट करूंगी। स्नेहा, जैसे कि अभी एक परफ्यूम आप प्रेफर, आपका फेवरेट परफ्यूम का स्मेल क्या प्रेफर करते हो, लाइक हार्ड सॉफ्ट? नो आई डोंट लाइक, सो आई एम थोड़ा मैं टॉमबॉयश टाइप की हूँ, तो मैं वेरी फेमिनिन परफ्यूम्स पसंद नहीं करती हूँ। आई लाइक फासी परफ्यूम बिकॉज इट्स गॉट ऊद एंड ऊद इज़ माई फेवरेट काइंड ऑफ एसेंस, सो वी विल बी ट्राइंग एंड और वील ट्राई एंड you know promote oud as much as possible because it's from Indian Arab. Market mein bahut rare hai oud, yeah. Abhi itna kisi brand kyunki wo expensive hota hai, expensive ki wajah se jo bhi brands yahan pe wo afford nahi kar sakte ki wo kam price mein aap tak pahunchaye, to bas hum log isi koshish mein ki high quality jo bhi oud ka hai wo hum low price mein yahan pe market mein har ek ke reach tak pahunchaye. So lastly kya kuch kar rahe hain aap, kya kuch
प्लीज। अब मिडिल ईस्ट में जो भी हम लोगों के ब्रांड्स हैं, सेम अब यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखिए अब लोग जिस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से उनको पसंद आता है। सो एज द ब्रांड फेस आई वुड ओनली वॉन्ट वन थिंग कि ऑल माई फैंस एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली दे ट्राई आउट फसी परफ्यूम्स, दे बाई द प्रोडक्ट्स, दे स्मेल अमेजिंग। सो यू गाइज विल स्मेल अमेजिंग एंड very soon you will be hearing about my very own perfume and this just smells like love. So I just say, like, I just hope that you guys will we will be sharing on where you need to get these perfumes. It's already on Amazon, yeah, and all of that. So very soon we'll be telling you, we'll be having a lot of stores in Mumbai as well, hopefully, and you can try and come and buy it. Thank you so much. You're welcome. Bro, is there, bro? सही है। इधर इधर इधर, वेरी नाइस। या इधर इधर इधर। प्राची, हाँ, चाय खत्म हो गया।